ओम शांति। 31 अगस्त की शिरोदन में आप सबका स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं कि संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भवा। संतुष्टता की विशेषता, संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जब हम संतुष्ट या कंटेंट होते हैं तो हम सही डिसीजन बना पाते हैं, निर्णय बना पाते हैं, जिस कारण से हमारे जो भी निर्णय होते हैं वो हमें और संतुष्टता की तरफ लेके जाते हैं। कहने करती है कि जो हम एनर्जी, जो हम फीलिंग्स लेके चल रहे होते हैं इस समय, अगर वो संतुष्टता की हैं तो कोई अगर नेगेटिव फीलिंग भी आती है उसके अंदर भी हम कुछ अच्छा देख लेते हैं और अपने तरीके निकाल लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम किसी और से कंपेयर करें, किसी और से तुलना करें, कंपेयर करें, तो हम असंतुष्ट रहते हैं। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे घर वाले हों, बाहर वाले हों, फ्रेंड्स हों, कंपेनियंस हों, या आपके कलीग्स हों, आपकी अगर वो निंदा भी कर दें, इंसल्ट भी कर दें, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वह स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। अपने आप से कैसे संतुष्ट, क्योंकि वो अपने आप को जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, ऑब्वियसली हर एक के पास है, वो भी जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा अपने साथ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं वो, तो वो अपने साथ में संतुष्ट रहते हैं और औरों से भी संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो औरों को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे और के साथ में मैनिपुलेशन करके, ज़बरदस्ती करके उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो औरों को भी समझते हैं, उनको भी समय लगेगा चेंज होने में, और अगर नहीं होंगे वो उनकी है इच्छा, अगर होंगे वो भी उनकी इच्छा है, इसलिए वो उनके साथ भी संतुष्ट रहते हैं। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। ओम शांति।